नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। क्या कांग्रेस को अपने ही युवराज पर भरोसा नहीं है? क्या राहुल गांधी 2019 में कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा पाएंगे? आखिर राहुल गांधी को कांग्रेस पीएम पद का उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित कर रही है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस के दो कद्दावर नेताओं सलमान खुर्शीद और पी चिदम्बरम ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का नाम नहीं घोषित करेगी। पहले सलमान खुर्शीद ने माना था कि मौजूदा हालातों में कांग्रेस का अपने दम पर सत्ता में आना मुमकिन नहीं है। वहीं पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने सलमान खुर्शीद से एक कदम आगे जाते हुए ऐलान कर दिया है कि 2019 के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से पीएम पद का चेहरा नहीं होंगे। इसीलिए सवाल आपका में आज इस बात की चर्चा हम करेंगे कि क्या 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं? क्या वाकई कांग्रेस नेताओं को लगता है कि 2019 में राहुल गांधी अपने बूते कांग्रेस की वापसी नहीं करा पाएंगे? देखिए रिपोर्ट। ২০১৯ के रण में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सियासी दल गठबंधन की गांठ जोड़ने में लगे ताकि बीजेपी को सत्ता से दूर किया जा सके, लेकिन इस गठबंधन में कांग्रेस को जोड़ने के लिए ज्यादातर पार्टी किनारा कर चुकी है। बिहार में तो कांग्रेस को आरजेडी का साथ मिल रहा है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने ही कांग्रेस के हाथ से दूरी बना ली है। विरोधी जानते हैं कि कांग्रेस अकेले दम पर दिल्ली पर कब्जा नहीं कर पाएगी। अभी तक तो कांग्रेस से दूरी बनाने वाले इसको कह रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही इस बात को हवा दी जाने लगी है। इसे पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के बयान से समझा जा सकता है। सलमान खुर्शीद का मानना है कि मौजूदा हालात में पार्टी का अकेले दम पर सत्ता में आना मुश्किल है और कांग्रेस को रोकने की कीमत पर विपक्षी महागठबंधन नहीं बनना चाहिए। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को हराने के लिए सहयोगियों को त्याग करने और तालमेल बिठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे सभी नेताओं ने साफ कर दिया है कि देश की सरकार को बदलने के लिए गठबंधन की जरूरत है और बीजेपी को जाना होगा। गठबंधन को मूर्त रूप देने के लिए चाहे जिस त्याग तालमेल और बातचीत की जरूरत हो, कांग्रेस वह करने के लिए तैयार है। सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद तो कांग्रेस बैकफुट पर नजर आने लगी। कांग्रेस के ज्यादातर नेता और उसके सहयोगी दल सलमान खुर्शीद के बयान से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। पिछले दो ढाई साल में जो परिवर्तन लोगों के मन में देखा है वो बहुत अभूतपूर्व है। मेरे ख्याल से अगर लोगों को फील्ड में जाना चाहिए, अभी तो मैं मध्य प्रदेश में ही राउंड्स कर आ रहा हूँ, और जो इस तरीके की एक तरीके से तो अब ये शब्द अच्छा नहीं लगता इस्तेमाल करना, लेकिन भारत सरकार की और केंद्र सरकार की जो थूथू लोगों में हो रही है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे पाकिस्तान का मुद्दा हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे नोटबंदी का फेलियर हो, कोई हो, जिस तरीके की इस सरकार पर लोग सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री के बारे में औरों के बारे में सड़कों पर लोग कह रहे हैं, ये सरकार बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। दलों के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में आवाम के बीच का गठबंधन, और जमीन पे आवाम ने अपना गठबंधन बना लिया। राजनीतिक दलों तक वो संदेश पहुंच रहा है, कितना पहुंच रहा है ये प्रश्न है, लेकिन आवाम ने गठबंधन बना लिया है और विदाई तय है, इसमें मुझे कम से कम कतई कोई संदेह नहीं है। सलमान खुर्शीद का ये बयान आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस की खिल्ली उड़ाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के गठबंधन में शामिल होने पर चुटकी भी ली। चलिए, जो सच्ची बात है वो जबान पे आ गई सलमान खुर्शीद साहब के, क्योंकि कांग्रेस अब कोई ताकत हिंदुस्तान में नहीं रही है। बीजेपी के विरोध में जरूर कुछ वोट उनको मिल जाता। कांग्रेस पार्टी की बड़ी अजीब और गरीब त्याग की कल्पना है। उन्हें तो पूरे देश में हमेशा एक ही परिवार का त्याग दिखता है, बाकी किसी का तो दिखता ही नहीं है, और बाकी जब त्याग की बात आते हैं हमेशा दूसरे से कहते हैं आप त्याग करिए। तो ये तो कांग्रेस और उनके जो सहयोगी अभी काल्पनिक हैं और सहयोगी नहीं है, ये उन दोनों के बीच की बात है। सलमान खुर्शीद एक सीनियर लीडर हैं, एक सीजन लीडर हैं, और उनको साफ साफ दिख रहा है कि 2019 में हार पक्की है कांग्रेस की, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट दिया उन्होंने। ये बात हकीकत है कि 2014 में वो एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी होती थी, लेकिन आज वो सिमट कर इतनी छोटी पार्टी हो गई है कि एक रीजनल पार्टी से भी उसको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। तो कांग्रेस अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है,
और 2019 में कोई पावर के लिए लड़े, ऐसा ठीक उन्होंने उनके ही लीडर ने कहा है। इसलिए कि देखिए बहुत सारी पार्टियां उनसे बहुत बड़ी हो गई, रीजनल पार्टीज उनसे बड़ी हो गई। सलमान खुर्शीद के बयान के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुटी ही थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने एक बयान देकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में चिदम्बरम ने कहा है कि पार्टी राहुल गांधी या किसी अन्य नेता को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश नहीं करेगी। पिछले दो दशकों में क्षेत्रीय पार्टियां तेजी से उभरी हैं और बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर को प्रभावित किया है। बात जैसे ही राहुल के पीएम पद की निकली, बीजेपी ने राहुल गांधी को फिर से कोसना शुरू कर दिया। हकीकत है कि वो उनको हार साफ दिख रही है। राहुल गांधी ने खुद से कहा था कि वो प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं, लेकिन इच्छा से तो नहीं हो सकती। देश की जनता का आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, उनका विश्वास प्राप्त होना चाहिए। आज की देश की जनता का उन पर विश्वास नहीं है। देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार पे है। कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के ये बयान ऐसे वक्त पर आए हैं जब कांग्रेस बीजेपी को 2019 में सत्ता से बेदखल करने के लिए महागठबंधन करने की कोशिशों में जुटी है। कांग्रेस की इन कोशिशों को पहले मायावती और फिर अखिलेश ने झटका दिया है और अब नेताओं के बयान पार्टी की किरकिरी करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो गोलमोल करके 2019 से पहले नैया आखिर कैसे पार लगेगी, किसी भी विपक्षी दल से पूछ लीजिए, वो यही कह रहे हैं कि आवाम गठबंधन कर चुकी है, आवाम एकजुट हो चुकी है, लेकिन तमाम विपक्षी दल आखिर एक साथ आएंगे कैसे, और अगर आएंगे तो उन मसलों का क्या होगा जिन मसलों पर सबसे ज़्यादा मतभेद है। और अब तो कांग्रेस पार्टी के भीतर से जो आवाज़ें आ रही हैं, जो कुछ बातें उभर कर आई हैं, उससे ये लग रहा है कि उनका खुद का भरोसा उनके ही युवराज में, राहुल गांधी में नहीं है। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश पांडे जुड़ गए हैं बीजेपी की ओर से, आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, नावेद शिको जुड़ गए हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, मनीष हिंदवी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, और अंशु अवस्थी भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से। शुरुआत मैं करूंगी पत्रकारों से, क्योंकि विश्लेषण जो हो रहा है 2019 से पहले उसमें लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और उसमें लगातार रोज़ नए नए आयाम भी जुड़ रहे हैं, और आज कांग्रेस पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं ने जो बातें कही हैं उसके बाद कांग्रेस के जो भीतर की पॉलिटिक्स है उस पर फिर से एक बार बात होनी शुरू हो गई है। और ये बात अगर हम व्यापक तौर पर करें तो ये महागठबंधन की जो कल्पना है उसमें जो दल शामिल हैं उनके बीच के इक्वेशंस पर भी बात होनी बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं मनीष सिंधवी जी। मैं आपसे शुरुआत करूंगी सर, कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी को लेकर अविश्वास होना या फिर असंतोष होना ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम कई मौक़ों पर हम ये देख चुके हैं, लेकिन इस बार जो दो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं उन्होंने जब ऐसी बातें कही हैं और सीधे तौर पर पी चिदम्बरम ने तो ये कह दिया है कि राहुल गांधी 2019 में उम्मीदवार नहीं होंगे कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, 2019 के एन पहले जब वक्त बहुत कम रह गया है, इस बयान को कैसे देखें? मुझे लगता है कि इस बयान के आगे पीछे के बयानों पर अगर आप नजर डालेंगी तो ये बात और भी उठ चुकी है। जुलाई लास्ट में एक बार ये बात उठी थी, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि जैसे तेजस्वी यादव जी का बयान आता था कि चार बड़े लोकल लीडर्स हैं जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी और मायावती जैसे लोगों का नाम लिया था, और तब भी उन्होंने ये बात कही थी कि ये लोग भी प्रधानमंत्री पद के रेस में हैं, ठीक है, और तब भी कांग्रेस की तरफ से ये बात आई थी कि कोई ज़रूरी नहीं कि हम ही पीएम का चेहरा बने, जो भी मेजोरिटी तय करेगी वो हिसाब से पीएम का चेहरा आ जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए दोनों तीनों बातें हैं जो आप लोग कह रहे हैं कि कहीं कांग्रेस पार्टी अपना विश्वास नहीं खो पा रही है, युवराज पर भरोसा नहीं कर पा रही है। एक चेहरा ये है जो बार बार निकल कर आ रहा है कि नहीं गठबंधन बनना जरूरी है ना, उसमें पीएम को लेकर झगड़ा ना हो, एक पहलू ये भी है सिक्के का, इस पर भी अगर आप थोड़ा नजर डालें तो बात थोड़ी और स्पष्ट होगी कि मतलब लड़ाई इस बात पर नहीं होगी पीएम का चेहरा कौन होगा, और अगर इसके लिए हमको पीछे हटना पड़ेगा तो हम पीछे हटने को तैयार हैं। तीसरा पहलू ये है कि अगर ये होगा तो जनता कहीं कंफ्यूज नहीं, क्योंकि मोदी जैसा एक मजबूत प्रधानमंत्री जो आज है और वही उम्मीदवार बनेगा वो सामने खड़ा है, तो क्या बिना चेहरे के
अगर गठबंधन बनता है या नहीं बनता है तो क्या ये पार्टियां लड़ पाएंगी। तो ये सारी बातें मतलब फैली तो हुई हैं, अब निकल कर क्या आता है ये तो वक्त और समय तय करेगा। नावेद शिको साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि 2019 से पहले जब महागठबंधन की दिशा में इन दलों को बढ़ना है और लगातार कोशिश भी इसी बात की हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी ये मान चुकी है कि राहुल गांधी के नाम पर तमाम दलों को आपत्ति है और उसे दूर करना मुमकिन नहीं है और इसीलिए उसने कदम पीछे खींच लिए हैं अपने? देखिए बहुत सारे मायने हैं इसके। ये जो दो बयान आए, बड़े दिग्गज नेता हैं ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है कांग्रेस के, और बड़े इनका बयान जो है इसको कई मायने से देखा जाएगा। एक तो बड़ा नकारात्मक बात ये हो गई है कि राहुल जी ने कुछ दिन पहले ये बात साफ तौर से व्यक्त की थी कि मैं प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक हूँ, और उसके कुछ दिनों के बाद इस तरह का बयान आना एक बड़ा नकारात्मक कांग्रेस के लिए होगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये बिल्कुल साफ ये बात हो चुकी है कि ये लड़ाई जो बीजेपी से है विपक्ष की, इसमें क्षेत्रीय दल ही हावी हैं। कांग्रेस का कहीं ना कहीं जो है वो इतना वजूद नहीं है कि वो लीड भी कर सके, पहली। दूसरी चीज, सबसे गंभीर बात यह है कि उसको एक तरह से ब्रांडिंग अब राहुल गांधी की शुरू हुई है। राहुल गांधी की ब्रांडिंग बहुत लेट शुरू हुई है सही मायने में, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी को बहुत विपक्ष भी और तथाकथित लोग उसको एक बहुत ही हल्के में लेने लगे, लेकिन अब उनके तेवर, उनकी प्रेजेंटेशन, उनके बयान, उनके भाषण, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनमें एक वो मैच्योर राहुल गांधी दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर क्षेत्रीय दल इनके ऊपर हावी होते हैं तो इनका राजनीतिक कैरियर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, जो बाद में उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हथियार डालने की ज़रूरत है कांग्रेस को, क्योंकि वो अभी लीड नहीं कर सकती, सामंजस्य कतई नहीं बैठ सकता, ये बात तय हो गई है। चाहे मायावती जी हों, चाहे ममता जी हों, चाहे और भी घटक जो दल हों जिनके बात उनके साथ बात चल रही है, वहाँ पर राहुल गांधी जी के पास में अभी इतना अच्छा सामंजस्य बनाने की क्षमता नहीं है, ये भी एक कारण है। दूसरी बात, एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इंटरनल कोई ना कोई रिपोर्ट उनकी आई हो जिसमें उनको लग रहा हो कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कांग्रेस नहीं दे पाएगी, हमें कहीं ना कहीं से क्षेत्रीय दलों का मोहताज होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक और सबसे अहम बात यह है कि ये लड़ाई जो है ये दुर्भाग्यवश ही बात कही जाएगी कि जैसे उत्तर प्रदेश में जातिगत लड़ाई हमेशा हावी रही, धर्म और जाति की लड़ाइयाँ चुनाव में सामने देखने को मिली। ये चुनाव मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव भी है जो इस पर जाति हावी रहेगी, और जाति हावी अगर रहेगी तो क्षेत्रीय दलों की इसमें बड़ी भूमिका रहेगी। ठीक है, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे पॉइंट्स आपने गिनवा दिए, और अंशु जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है आपसे नावेद साहब, और वो ये है कि आपने खुद उस वाक्य का याद दिलाया जब राहुल गांधी ने खुद ये कहा था कि वो अगर मौका पड़ा तो प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी, और उसके साथ ही CWC की बैठक भी हमें याद है जिसमें ये आवाज़ें उठी थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अगर कोई हो तो राहुल गांधी ही हों। कुछ महीने पहले की ये बात है, इन कुछ महीनों में ऐसा क्या बदल गया इस देश की सियासत में, या फिर बीजेपी की स्थिति को लेकर, या फिर जो महागठबंधन में शामिल होने के इच्छुक दल हैं उनके बीच के इक्वेशंस को लेकर, कि आज कांग्रेस के बड़े नेता ऐसी बात कह रहे हैं, राहुल गांधी को नकार रहे हैं उनकी उम्मीदवारी को? नहीं देखिए, डिस्प्यूट्स की बात तो हम नहीं मानते हैं, मुझे लगता है कि ये दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और इधर एक महीने के दौरान क्षेत्रीय दलों से इन लोगों की बहुत खामोशी से बातचीत होती रही है। सच बात ये है कि इनकी बहुत साइलेंट टॉक होती रही है, और उसमें बहुत ज़्यादा दबाव में है ये, कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक लीडिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पा रहा है, वो कहीं ना कहीं कुचल रहे हैं, कहीं ना कहीं दब रहे हैं, कहीं ना कहीं दबाव में है, और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री के तौर पे सामने आना और उसके बाद में वो दबाव में रह के उनको इलेक्शन लड़ना, और अगर सरकार बनती है उसके बाद भी तमाम इस तरह के डिस्प्यूट्स ना हो, इसलिए वो साइड में कहीं ना कहीं उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं, क्योंकि उनका बिल्कुल भी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। अंशु अवस्थी जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ गए हमारे साथ, ऐसा कौन सा आकलन आप लोगों ने कर लिया, क्योंकि नावेद साहब ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कोई अंदरूनी आकलन हुआ हो, कोई रिपोर्ट आई हो, ऐसा कौन सा आकलन कर लिया जिससे विश्वास डगमगा गया आप लोगों का अपने ही युवराज पर? देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो सलमान खुर्शीद साहब ने कहा उस बयान को समझने की ज़रूरत है। 18 राज्यों में हम 367 सीटों पर अकेले लड़ते हैं, पिछली बार भी लड़े थे और इस बार भी लड़ेंगे। जो बहुत सारे दूसरे राज्य हैं जहाँ पर क्षेत्रीय पार्टियाँ सशक्त हैं, मजबूत हैं, तो उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि सभी को एक साथ आने की ज़रूरत है और इसमें कोई
अपराध भी नहीं, कोई इसमें गलती भी नहीं, दोष भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी 46 दलों के गठबंधन के साथ चुनाव में उतरती है हर जगह जहां पर इनके लोग नहीं हैं। पंजाब में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं, लिए वहां पर 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में। खैर, देखिए यहां पर जो नावेश गो जी ने कहा, अब इसका जवाब तो मुझे लग रहा है इस आकलन का वही देंगे, क्योंकि उन्होंने इसी बात कही, ना किसी क्षेत्रीय दल के प्रतिनिधि ने इस चैनल पर कही, ना किसी नेता ने कही, ना कांग्रेस पार्टी ने कही। दूसरा, CWC में आवाज़ नहीं उठी, हम फिर इस चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये बात तय हो चुकी है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के रूप में श्री राहुल गांधी हैं, और जो गठबंधन हमारे जो एलाइज हैं उनके साथ वार्ता करने के लिए पूरी तरीके से वही अधिकृत हैं। दूसरा, जो बार बार हथियार डालने और ये सब बातें होती, मुझे लगता है ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा। हम बराबर इस जनतंत्र को लूटने वाली सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। श्री राहुल गांधी ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने किसानों को 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ कराने का सरकार पर दबाव बनाया था, कांग्रेस सरकार पर। श्री राहुल गांधी ये ऐसे आदमी हैं जिन्होंने RTI लाने का काम किया। देश का नौजवान ये जान पा रहा है कि राफेल डील में कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं, शुभ्रा जी, मैं इसलिए कि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिग्भ्रमित करने वाली जरूर हुई, तो मैं अनुरोध के साथ कहूंगा कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नकारने जैसी बात नहीं है। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में है। और दूसरा, जो जुलाई को यहाँ पे गलत इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं उन्होंने ये बात कही थी। आप कह रहे हैं शुभ्रा जी, सुनिए, आप दोनों बातें कह रहे हैं। मैं पहले तो अपनी बात पूरी कर लूं, इसलिए कि मुझे बहुत सारे सवाल देने, प्लीज मुझे 10 सेकंड दीजिए, मुझे 10 सेकंड, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 10 सेकंड मुझे 10 सेकंड दीजिए। जुलाई की जो बात आपने कही कर्नाटक की, उन्होंने निश्चित तौर से कहा कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन यदि गठबंधन के सभी दल चाहेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री बनने को भी तैयार हैं। इसमें क्या बुराई है, मुझे आप बताइए शब्दों में कहां पर गलती है। हाँ, यदि प्रधानमंत्री सिर्फ बनने का एक उद्देश्य होता, मात्र एक उद्देश्य होता, तो 2004 से और 2014 के बीच में किसी तरीके से कभी भी वो प्रधानमंत्री बन सकते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कई बार इस बात को कहा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे देश को, भारत को समझना है, भारत को जानना है, लोगों के बीच में जाना है, उनकी समस्याओं को समझना है। तो सिर्फ प्रधानमंत्री बनना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है कि इस देश में वो सरकार आए जो गरीबों के लिए, जिस तरीके से काम UPA सरकार में हुआ, उसी तरीके से वो सरकार हटे जो बराबर तानाशाही रवैया अपना रहे और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा 10-15 उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ करे और किसान आत्महत्या कर रहा है। बात करेंगे, वो इसका जवाब देंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप दोनों बातें कर रहे हैं। आपने तो पहले ये नकार दिया कि नहीं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हम बात कर रहे हैं उनके, मैं फिर से नकारता हूँ। सुन तो लीजिए मेरी बात, वो दरअसल राहुल गांधी की उम्मीदवारी को नकार नहीं रहे थे। फिर आपने दूसरे सेंटेंस में ये कहा कि नहीं, CWC की बैठक में ऐसी कोई, शुभ्रा जी, मैं तो कहता हूँ कि कोई ऐसा वर्जन हो आपके पास, की बैठक में ऐसी कोई जिस विषय पे आपने डिबेट रखी, अगर आपके पास कोई ऐसा वर्जन हो उन बड़े नेताओं का जिन्होंने नकारा है, तो मुझे प्लीज सुनाने कष्ट करें, दर्शक भी सुन लेंगे। सुन लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, हम कोई क्लेम कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, आपने कहा इससे पहले नकार रहे हैं, ओपनिंग डिबेट में ही आपने ये बात कही। अगर उस बात को नकार रहे हैं साहब, तो आप मुझे ये बताइए कि CWC की बैठक में अगर ये बात नहीं उठी आपके मुताबिक, तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या वर्किंग कमिटी को नहीं लगता है कि राहुल गांधी में वो मादा है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, उस तौर पर उन्हें प्रोजेक्ट करना चाहिए? आखिर आप ये इनकार क्यों कर रहे हैं? मुझे लग रहा है आप मेरे उत्तर को सुन नहीं पाई है। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। रिपीट करिए। CWC की मीटिंग में ये चीज तय हो चुकी है, अधिकृत रूप से पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी, मीडिया के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के अधिकृत उम्मीदवार श्री राहुल गांधी हैं। ये चीज CWC की मीटिंग में तय हो चुकी है। वही तो मैं आपसे, दूसरा, गठबंधन के साथियों से वार्ता करने के लिए श्री राहुल गांधी जी ही अधिकृत हैं। लेकिन आपने घुमा दिया, जब कुछ महीने पहले ये तय हुआ था, जब वहां से ये आवाज उठी थी कि राहुल गांधी ही होंगे, आवाज नहीं, ये निर्णय है। ठीक है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है कांग्रेस के अंदर, वही सारे इम्पोर्टेंट निर्णय लेता है। आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। अगर उस वक्त ये फैसला हो चुका था आपके मुताबिक,
मैंने तो फैसला बोला भी नहीं, आपने खुद कहा कि फैसला जी हाँ, ये फैसला है। तो अब क्यों विश्वास डगमगा गया? मेरा सवाल ये है आपसे। मैं तो ये अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से कि आप अपने चैनल पे किसी नेता का एक वर्जन सुना दीजिए जिसने ये कहा कि श्री राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। पी चिदम्बरम किसी नेता का मुझे सुना दीजिए, मैं अनुरोध करूंगा मुझे सुना दीजिए। नहीं बन सकते हैं की बात नहीं, आप बात तो वही कर रही है। अच्छा अच्छा, मैं अनुरोध के साथ कहूंगा कि दर्शक भी सुने, आखिर चैनल पे डिबेट जिस विषय पर है तो आखिर वो चीज निकल के आए, किसने कहा? एक बात होती है ना सर, अब ये थोड़ी होता है कि हर चैनल अपना अलग अलग वर्जन दिखाएगा। जो खबरें आ रही हैं, मुझे सुनाइए ना, खबरें कहां से आ रही हैं आपके पास? जिम्मेदार वेबसाइट्स पर, जिसको अभी कभी आप जिम्मेदार प्रतिष्ठित चैनल हैं, आपके पास खबरें कहां से आ रही हैं? कोट करते हैं, मुझे सुनाइए, क्यों डर रहे हैं आप? इतना आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी है और आपके पास उस नेता का वर्जन नहीं है, इसको नकार रहे हैं। यानी कि आप इसको, मैं नकारने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी और उन नेताओं को कोट कर रहे हैं, उनके वर्जन नहीं आपके पास। बोले आप भी नहीं है, हर बात बयान के फॉर्म में नहीं होती। शुभ्रा जी, शुभ्रा जी, इतने भोले मत बनिए, आप संजय मत बनिए महाभारत, भोले मत बनिए सर, आप संजय मत बनिए महाभारत। हमारा चैनल, मैं नहीं कह रही हूँ, ये हर जगह कमाल हो गया है। जिस महत्वपूर्ण विषय पर आपने डिबेट रखी है, उस विषय के नेताओं के वर्जन नहीं आपके पास। अब जो है सनसनी मत फैलाइए चैनल। अच्छा 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 अच्छा, सनसनी की बात हो गई, अब चलिए ठीक है, आप रुकिए। मैं तो अनुरोध के साथ आपसे कहता हूँ, विनम्रता से, मैं समझ गई, उन नेताओं के वर्जन सुना दीजिए जिसने ये बात कही है। आप शूटिंग का मैसेंजर कर रहे हैं और ये इसके लिए आप बीजेपी को कई बार कहते हैं। जयप्रकाश जी ये कह रहे हैं कि बात ही झूठी है। आप सुनाइए ना, तमाम जो मीडिया वेबसाइट्स पर, जब आपके पास वर्जन नहीं, आप डिबेट रख रही हैं, उसका कमाल हो गया। सुन लीजिए आप मेरी बात, हर बात बाइक के फॉर्म में नहीं होती, ये बात चैनल पर बहुत सारे लोग देखते हैं। अंशु अवस्थी, आप इतने भोले नहीं है, इतने भोले आप नहीं है सर, ठीक है? हम भोले, हम नहीं भोले हैं, जो लोग देख रहे हैं वो भोले हैं। हर जो बयान होता है वो बाइट के फॉर्म में नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी बात कि उन्हीं वेबसाइट्स को आप कई बार कोट करते हैं, लेकिन अभी देखिए ये तमाम चैनल, तमाम मुझे बताइए, देश की मीडिया के बारे में चर्चा नहीं करता हूँ, नेताओं के वर्जन तो दे दीजिए, कोई बात नहीं बचती है। अरे लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार किया, राफेल में मीडिया नहीं दिखा रहा, तो क्या करेंगे इसके लिए? ये बहुत हास्यास्पद है कि शूटिंग द मैसेंजर, हास्यास्पद ये है कि जिस विषय पे आपने डिबेट रखी उन नेताओं के वर्जन नहीं आपके पास, ये हास्यास्पद है। एक सेकंड मैं आ रही हूँ जयप्रकाश जी। अरे मीडिया नहीं दिखा रहा, मीडिया नहीं दिखा रहा कि मोदी जी महाभ्रष्टाचार में डूबे हैं, बराबर देश को लूटने काम कर रहे हैं, तो क्या ये सच नहीं है? अब चुप रहिए आप, एक सेकंड, आपने अपनी बात रख ली, अब चुप रहिए। मनीष सिंधवी जी, ये कितनी बचकानी बात है कि उस खबर को ही झुठलाने में लग गए हैं। कोई बचकानी बात है? कांग्रेस पार्टी का डिरेल करने के लिए मानसिकता, क्या ये डर है? मैं तो अनुरोध करता हूँ, कोई डिरेल नहीं, मैं अनुरोध करता हूँ कि अंशु जी टाइम वेस्ट मत करिए मेरा साथ। अरे मैं ये कैसी बात है शुभ्रा जी, ये बहुत गलत बात है। अब मैं विनम्रता से कहता हूँ, अगर बाइट नहीं है ट्विटर पे, अगर उनका वर्जन आया हो, मुझे आप दिखा दीजिए, अंशु जी दर्शकों को स्क्रीन पे दिखा दीजिए, बोलने दीजिए, बचकानी बात मत कीजिए, बड़े नेताओं का मत कीजिए। जिस बात के लिए आप लोग बीजेपी को ब्लेम करते हैं, वो काम खुद आप मत कीजिए। मैं अपेक्षा ऐसी करता जो काम के लिए खुद आप ब्लेम करते हैं, एथेंटिसिटी बनी रहे खबरों की। मैं नहीं, मैं आपको अपने डिबेट का वक्त जाया करने नहीं दूंगी। मनीष सिंधवी जी, कितनी बचकानी बात है ये कि उस खबर को झुठलाने की कोशिश की जा रही है कि पी चिदम्बरम ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। ये कौन सा डर है कांग्रेस पार्टी का सर? दिखाइए ना वर्जन आपके पास है। अरे भाई बोलने दीजिए, बयान दीजिए, दिखाइए, ये आप कुछ बोलने के लिए नहीं, चिल्लाइए मत अंशु जी, चैनल पर चिल्लाइए मत अंशु जी, चिल्लाइए मत मनीष सिंधवी साहब, चिल्लाने रहा हूं, अनुरोध के साथ कह रहा हूं, बयान दीजिए, आपको बोलने दीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं आपसे। तमिल टीवी चैनल पर चिदम्बरम जी ने बयान दिया है जी, और इस वक्त मुझे लगता है पूरे भारत देश की, वो टाइम्स नाउ से लेकर एनडीटीवी से लेकर और तो एक बात पर आपकी प्रवृत्ति देखिए, सब्जेक्ट रखिए, आप उसी पर बोलते रहते हैं सर, ये निर्णय हो चुका है। मनीष सिंधवी साहब बताइए, आपसे अनुमति लेके डिबेट भी रखनी पड़ेगी, ये लोकतांत्रिक क्षेत्र तो पहली बार देख रहे हैं। कम से कम चैनल पर सनसनी मत फैलाइए। मनीष सिंधवी साहब अपनी बात रखिए सर, मनीष सिंधवी साहब इमरजेंसी वाले बारिश से वर्जन का गलत परसेप्शन तैयार किया। मनीष सिंधवी साहब अपनी बात रखिए सर,
शुभ्रा जी, ऐसा है कि ये बात जो आदरणीय अंशु जी कह रहे हैं, इससे तो हम सब सहमत हैं कि 23 जुलाई को सीडब्ल्यूसी की बैठक में ये तय हुआ था ऑफिशियली कि राहुल गांधी चेहरा रहेंगे, ठीक। तो यही तो सवाल उठकर आ रहा है कि फिर आज 2-3 महीने बाद चिदंबरम साहब ने ऐसा क्यों कहा? हम तो मैं तो आपने बोला प्लीज खामोश रहिए और दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। सुने और दूसरी बात तो कह रहा हूँ कि आप भाई या तो आप आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी, डिबेट का तरीका नहीं होता है सर। हम अपने चैनल करते हैं, आपकी बात सुनी है, पत्रकार को भी नहीं बोलने दे रहे। मनीष सिंघवी अगर बात कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आप हर बात में अगर बीच में बोलेंगे सर तो ऐसे डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगी। और मैं आपको फिर से बता दूं कि ऐसे हम अपने चैनल पर डिबेट नहीं करते हैं। हाँ, मनीष सिंघवी साहब ये कहना चाह रहा था कि देखिए कई तरीके बहुत सारे स्टेटमेंट्स बार बार बदलते रहे हैं, कहीं ना कहीं चेंज होते रहे हैं। राहुल जी ने एक बार इच्छा प्रकट की कि हाँ ठीक है, अगर कोलिशन स्ट्रांग रहेगा और 2019 में हम जीतेंगे तो मैं प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने को तैयार हूँ। एक बार ये भी कहा गया, एक बार ये भी आया कि नहीं अगर कोई संशय रहेगा, ये भी आया कि अगर कोई संशय रहेगा तो ठीक है कोई चेहरा नहीं रहेगा, हम लोग मिलकर लड़ेंगे, इस पर भी बात हुई है। और उन अन्य नामों पर भी चर्चा हुई है कि ठीक है जो भी रीजनल बड़ा छत्र उभर के आएगा वो बन जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर संशय बरकरार है, इस बात को मान लेने में क्या दिक्कत है? जब स्टेटमेंट्स हैं और जिम्मेदार चैनलों और जिम्मेदार न्यूज़पेपर्स में स्टेटमेंट हैं इस बात को लेकर, तो इस बात को मान लेने में बुराई क्या है? कि भाई अगर मैं तो इसका दूसरा एक सार्थक पहलू भी देखता हूं कि ठीक है कम से कम ऑपोजिशन इस बात पर लड़ने को तैयार नहीं कि पीएम का चेहरा कौन होगा, बस भाजपा के खिलाफ एकजुट होने को तैयार है। आप इसका एक पॉजिटिव पहलू भी ले लीजिए, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पहलू हर चीज के हैं ना। खाली इस बात पर क्यों लड़े कि राहुल गांधी पीछे हट गए? इस बात को सोचिए ना कि अगर आज अखिलेश यादव यहां स्टेट में मायावती जी के पास जाकर जुड़ने को तैयार है, इसलिए हम किसी भी शर्त पर गठबंधन बनाने को तैयार है ताकि हम भाजपा को हरा सके। और कांग्रेस अगर इस बात पर पीछे हटने को तैयार है कि ठीक है हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर जो भी मजबूती से उभरेगा उसका हो जाएगा, तो ये तो ठीक है ना कि एक बढ़िया गठबंधन बनने को तैयार है, ये तो सार्थक पहल के रूप में भी देखा जा रहा है। आशुतोष जी इस बात पर सिर हिला रहे हैं, वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि इसके दूसरे पहलू को देखना चाहिए। आशुतोष जी बिल्कुल सही कहा शुभ्रा जी, और बड़ी अच्छी बात कही मनीष जी ने कि जिस बात पे डिबेट हो रही है उस बात पे अगर हम डिरेल कर रहे हैं उसको, तो उससे ज्यादा सार्थक पहलू देखा जाए कि जैसे कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बार बार बोला है कि अगर ऐसी ताकतों को रोकने के लिए 2 कदम अगर पीछे हटाने लगे तो हम तैयार हैं, तो इसका मतलब ये कहीं से नहीं हो जाता है कि अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई कमी है। उनकी कमी नहीं है, क्योंकि विपक्ष की एकजुटता होना बहुत जरूरी है। देखिए इस बात का यथार्थ आप सब लोग समझिए कि लड़ाई लंबी है और लड़ाई बड़ी है। अगर कोई इसको यूं मान ले कि हम 2-2 मिलके 4 हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। रही बात तीसरे विपक्ष की, बात मैं बताऊं जहां पर जो बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, मैं उनको भी बता दूं कि चाहे आप 2009 का जनरल इलेक्शन देख लीजिए या 2014 का इलेक्शन देख लीजिए, अगर वोट शेयर में आप देखेंगे तो हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी हैं वो किसी भी तरीके से कम नहीं हुई हैं। पिछले और 2009 और 14 में सिर्फ 1.5% का, इनफैक्ट 1.49% का डिफरेंस आया है, तो इसका मतलब वोट शेयर में हम कभी गड़बड़ नहीं हुए हैं। हम यही कह रहे हैं कि आप एक बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं देश की, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं, और ये जिम्मेदारी आपकी है कि इस लड़ाई को आगे लेके चलिए, हम कहीं भी आपका साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, ये हमने हर तरीके से बता दिया है। यानी कि फैसला सही है अगर राहुल गांधी के बारे में, आ रही हूँ एक सेकंड, अगर राहुल गांधी के बारे में ये फैसला किया गया है तो आपको लगता है ये सही है? देखिए फिर वही बात होती है, जहां तक ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मुझे कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो किसको नेता आप लोगों से भी नहीं वो किसको नेता चुनते हैं वो किसको नहीं। देखिए गठबंधन का नेता तो अगर गठबंधन होगा तो उसके साथ चुना जाएगा, वो हो सकता है राहुल गांधी हो, वो हो सकता है अखिलेश यादव हो, वो हो सकता है कोई हो। लेकिन आप लोगों ने कई बार ये बात कही है आशुतोष जी, मुझे याद है कि जब राहुल गांधी को उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात होती है आप लोग कहते हैं कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, तो क्या अगर ऐसा हो रहा है उसका इंटरप्रिटेशन, कांग्रेस का बड़ा दिल दिखाने के लिए मतलब ये है कि हम लोगों को सबको साथ में लेके चलना चाहिए। कई जगह ऐसा लगता है नहीं, देखिए हमने फिर वही बोला है, हमारी जो पार्टी है वो उत्तर प्रदेश में बड़े वोट शेयर के साथ तब भी थी और अब भी है, हम विपक्ष के साथ अब भी खड़े हुए हैं। हम यही कह रहे हैं कि वो उनका फैसला है कि वो राहुल गांधी के साथ लेके चलना चाहते हैं कि नहीं चलना चाहते हैं। हम जब गठबंधन में आएंगे हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम इस इन इन देश विपरीत पार्टियों को देश से निकालना है, इसके लिए हम तैयार हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारी मजबूती में कहीं कोई कमी नहीं है और हमारे वहां कोई नेता की कोई भी कमी नहीं है कि भाई अखिलेश यादव जी बनेंगे कि मुलायम सिंह बनेंगे कि
मायावती जी बनेंगे। और ये जो बहुतायत है नेताओं की, यही कई बार आप लोगों पर भारी पड़ जाती है। मैं आ रही हूँ अंशु जी आपके पास, उन्होंने अपना स्टेटमेंट बहुत पहले शुभ्रा जी क्लियर कर दिया, तो इसलिए वहाँ कोई संशय समाजवादी पार्टी में है। जयप्रकाश जी के पास मैं जाऊंगी, एक सेकंड लूंगा, मैं 10 सेकंड लूंगा, सर 1 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दूंगा। प्लीज सर, आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए मैं जयप्रकाश जी के पास मैं 10 सेकंड लूंगा। अंशु जी प्लीज, एक सेकंड अंशु जी, जयप्रकाश जी को मैं डिबेट में नहीं लेकर आई हूं अभी तक। जयप्रकाश जी का प्रश्न ले लेते हैं, मैं आपके पास आऊंगी। आपको सुना, आपको ठेका लेके थोड़ी आपसे पूछ के डिबेट का विषय रखा जाए। आप अपने मन से समय हमको लगता है इससे ज्यादा समय तो अपना दल को मिलना चाहिए। दो उत्तर प्रदेश में दो सीटों प्रदेश से निकल गए, इनकी आवाज बंद हो जाए इस बेइज्जती को लेके आए। मैं इसी मानसिकता से आए, इनकी आवाज बंद करके तभी ये बात भ्रष्टाचार चरम पर है। बलात्कारियों के साथ खड़े ये लोग, बलात्कारियों के मुकदमे वापस ले रहे हैं, इनके पास क्या बोलने का? जी आपसे मेरा सवाल है, जो स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उससे जो दिशा और दशा है महागठबंधन की, उसमें आपको क्या परिवर्तन लगता है? क्योंकि आपको ही नजर रखनी है, आपसे ही मुकाबला है, बताएं। इनसे हमारा कोई झूठे लोगों से मुकाबला नहीं है। बंद कर दीजिए, पढ़ के झूठे आदमी से मुकाबला नहीं। प्रवक्ता जब से हुए हैं उखाड़ के फेंक देंगे लोग, ये चैनल पर बताना है, भाषण देते हैं उत्तर प्रदेश में जंगल राज, लेकिन सिर्फ भाषण दीजिए जिससे चैनल की जनता कम से कम दिग्भ्रमित रहे। इतना बड़ा राफेल में लूट प्रधानमंत्री को उत्तर में जवाब दीजिए ना। बहुत ही, ये हमारे गठबंधन के बारे में क्या बोलेंगे? हम खुद अपना गठबंधन तय कर लेंगे। उसी के सर्टिफिकेट चाह रहे हैं, देने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। जब ये पूछो कि प्रधानमंत्री जी ने क्यों राफेल में चोरी की, तो ये नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश में लूट मची हुई है, जंगल राज, मीडिया इस पर जवाब नहीं इनके पास। ये गठबंधन के बारे में क्या बात करें? इनका गठबंधन चारों तरफ दरक रहा है, आंध्र प्रदेश, शिवसेना, टीडीपी, हर जगह डिबेट नहीं हो पाएगी। जयप्रकाश जी को उनका वर्जन रखे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। जयप्रकाश जी बोलिए। अरे नहीं बोल पाएंगे, इनके पास कुछ है नहीं। ऐसे आदमी की आवाज मैं कह रहा हूँ कि चैनल से ये जाने वाले हैं, गारंटेड। सर ऐसे नहीं होगा, डिबेट छोड़ के चले जाएंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ऐसे नहीं होगा, आपकी आवाज बंद कर दी जाएगी। जयप्रकाश जी बोलिए, देखिए मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। मुझे लगता कम से कम आवाज जनता तक ना जाए, परीक्षा पास करके प्रवक्ताओं की आवाज बंद कर। दूसरी बात सुनिए आप, अब आपने कहा सुना है, जनता नहीं सुने इनको चिल्लाने दीजिए। देखिए ये लीडरशिप का ये स्वाभाविक सा लक्षण होता है कि हारी हुई सेना सेनापति से लड़ती है। तीन चार स्टेट से लगातार 21 लड़ाई ये आदमी हारा है। अब उससे दो स्तरों पे राहुल गांधी का प्रतिरोध है, एक कांग्रेस के संगठन के भीतर, आनुवंशिक संगठन दुनिया में कहीं भी रहा हो किसी भी स्तर पे, जब वो वीक हो जाते हैं हेरिडेटरी क्रम में तो किंग मेकर आते हैं। देखिए तो रियल में इनकी जो ये लड़ाई है राहुल गांधी के विरुद्ध, वो नेचुरल रूप से जो चाहे चिदंबरम जी हो चाहे खुर्शीद जी हो, तो वो स्वाभाविक सी चीज है कि एक तो उनकी किंग मेकर वाली भूमिका है, और क्षेत्रीय दल के लोग तो इसलिए असंतुष्ट हैं कि अगर उस दल की छाया पड़ेगी, राहुल गांधी की छाया पड़ेगी, तो उनके वोट बैंक और उनके जनता के साथ निश्चित रूप से जो उनके वोटर हैं उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो भी नहीं चाह रहे। आदरणीय मुलायम जी हो, मायावती जी हो, या ममता बनर्जी हो, कोई भी इनका क्षेत्रीय जो अलायंस की दावा करते हैं, तो उसके वोट बैंक पे इनकी छाया ना पड़े तो वो भी एक फैक्टर है। तो ये दो स्तरों पे कोई भी नेतृत्व इनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और वो स्वाभाविक बात है, जो लगातार 27 पराजयों का नायक रहा हो उसे कौन सा प्रभुत्व। चिदंबरम की बात करते हैं, चिदंबरम इंडियन एक्सप्रेस में रोज लेख लिखते हैं, उनको पढ़ के आते तो ये अर्थव्यवस्था कुछ तर्क देते, लेकिन ये है कि अब वो आदमी डिरेल करने के ये देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक ऐसी चेन आई है जो पढ़ के आए, तो उनके पास कोई तर्क नहीं है। इनका जो नेता है वो क्रैश कोर्स करने नानी घर जाता इटली,
जब वो इटली क्रैश कोर्स करके आते हैं तो वो सिखाया जाता है कि मोदी जी को गले लगाओ, तो गले लगाते तो ठीक है, आंख मारने लगते हैं। तो जैसा प्रवक्ता वो नेता का संक्रमण प्रवक्ता में आ गया है। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी का नेतृत्व किन गुणों पे लोग स्वीकार कर ले, एक तर के आदमी नहीं दे पाया कि राहुल में संगठन की कोई क्षमता है। और इन्होंने तो खुद ही अपने नेता को बताया कि वो समझ रहे हैं भारत को, 44 साल के बाद अब भारत को समझने इटली क्रैश कोर्स करने जाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि ऐसे आदमी को क्या कर करा जाएगा। तो ये 10-15 उद्योगपतियों को समझ लिया, उन्हीं का काम कर रहे हैं बराबर, 3,37,000 करोड़ रुपया माफ कर। मनीष सिंधवी जी, ये इस तरह से शोरगुल में जो असल मुद्दा है वो पीछे रह जाएगा और हम भटक जाएंगे। चैनल पर गलत, लेकिन जो वो जो चर्चा हो रही है सर, आप लोग जो इस तरह की बातें आजकल बहुत करने लगे हैं ना, हम लोग तो उसको अब ठीक से सुनना भी नहीं, सुनिए ना उसको ना, सुनिए, आपकी आवाज जो है बंद कर दी गई थी, आपकी आवाज जो है बंद कर दी गई थी, आप ज्यादा इंदिरा जी की तो मानेंगे, आपको इस बात को खींचिए मत, बंद कर दी गई थी आपकी आवाज। और इसलिए जब अगर आप इस तरह से डिरेल करेंगे, तो आप प्लीज, अगर आप उठ के जाना चाहते हैं तो चले जाइए अंशु अवस्थी, इस तरह डिरेल करने का मैं आपको नहीं हक दूंगी। अगर आप उठ के जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ये पूरी डिबेट है जो पूरी, हाँ ठीक है, आप चले जाइए प्लीज। अगर आप, अगर आपको ये लगता है कि आप पूरी डिबेट इस तरह से डिरेल कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि आप डिरेल कर लेंगे तो आप जा सकते हैं, शौक से जा सकते हैं सर, आप शौक से जा सकते हैं सर। अगर आपको इस तरह से डिबेट करनी है आप शौक से जा सकते हैं, मैं फिर से आपको बिल्कुल, अगर आप चैनल पे गलत परसेप्शन, आप शौक से जा सकते हैं, मैं कह रही हूँ, यही ट्रेनिंग दी गई जो परीक्षा पास करते हैं सर, आप शौक से जा सकते हैं, मैं कह रही हूँ आपको, अगर आपको इस तरह डिबेट करनी है आप शौक से जा सकते हैं। पत्रकार सब सुन रहे हैं, ये 10 सेकंड में किसी को बोलने नहीं देंगे, तो ये पूरा आपने कहाँ बोलने दिया सर किसी और को, आपने कहाँ बोलने दिया किसी और को? अंशु अवस्थी, ऐसे डिबेट नहीं होती है ना सर। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे चैनल पे डिबेट नहीं होती, नहीं फैलाई जाती है। तो फिर आप शौक से जाइए ना, मैं कह रही हूँ आप शौक से जाइए, मैं कह रही हूँ आप शौक से जाइए, गजब मानसिकता, मैं कह रही हूँ आप शौक से जाइए साहब, मैं कह रही हूँ आप शौक से जाइए। अरे पांडे जी, उनको बोलने, मैं कह रही हूँ आप शौक से जाइए, ना बोलने दे, ठीक है, पार्टी के आदमी, मीडिया पे ऐसी चीज चला रहे हैं कि आप संसद फैला रहे हैं, मतलब मीडिया वाले, मैं कह रही हूँ अगर आप डिबेट नहीं करनी है इस तरह तो आप शौक से, राहुल गांधी राष्ट्र है, मैं एक बार सुन सकती हूँ चैनल के खिलाफ, दो बार सुन सकती हूँ, बार बार नहीं सुन सकती चैनल के खिलाफ, इसीलिए आप शौक से जाइए अगर आपको जाना है, अगर आपको आपत्ति है इस डिबेट से सर, आपको सच सुनने से इतनी दिक्कत क्यों है, आपको किसी और को बोलने देने से इतनी दिक्कत क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सनसनी मत फैलाइए, आपको दिक्कत है आप शौक से जाइए, मैं फिर से कह रही हूँ अंशु अवस्थी, अगर आपको दिक्कत है आप प्लीज, मैं पूरी तरीके से, मैं एक बार सुन लूंगी लेकिन फिर उसके बाद आप हिमाकत मत कीजिए, अंशु अवस्थी, अंशु अवस्थी एक बार कह लिया, दो बार कह लिया, तीसरी बार चैनल पर उंगली उठाने की हिमाकत मत करिए, मैं फिर से आपको एक बार कह रही हूँ, गलत बात बिल्कुल, चैनल इस तरह से हिमाकत मत करिए, मीडिया को, मीडिया शूटिंग द मैसेंजर, आप लोगों का ये बहुत खराब रवैया है, एक बार सुन लिया, दो बार सुन लिया, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो प्लीज, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, 10 सेकंड दे रही हूँ मैं आपको, बोलिए मुझे, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा ये बात, यहाँ पे गलत परसेप्शन बनाया जा रहा, श्री चिदंबरम जी ने भी ये बात कही कि हम चेहरे के तौर पे नहीं पेश करेंगे, यदि गठबंधन चाहेगा तो पेश करेंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री राहुल गांधी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद का गठबंधन का यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस का चेहरा कौन होगा ये गठबंधन तय करेगा, इसमें क्या गलत है? ठीक है, ये आपका वर्जन हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप बोलेंगे वो सब समझेंगे कि सही है, आप दूसरों का वर्जन सुनिएगा, मनीष सिंधवी साहब जो कह रहे हैं वो भी सुनिएगा आप। मनीष सिंधवी साहब, जो 2019 से पहले आशुतोष जी भी ये बात मान रहे हैं कि एक सकारात्मक पहलू के तौर पर भी इसे हम देख सकते हैं, महागठबंधन पर दो वरिष्ठ नेताओं के बयान का क्या असर पड़ने वाला है, और क्या जो हमने पहले देखा कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि और भी कई चेहरे हैं, उन्होंने ममता बनर्जी, मायावती का नाम गिनवाया, मायावती की पार्टी से खुद ही आवाज़ आ रही है कि वही उम्मीदवार हों, ममता बनर्जी जो हैं उनसे जब कांग्रेस की उम्मीदवारी राहुल गांधी के बारे में पूछा जाता है तो वो चुप्पी साध लेती हैं, तो ये जो तमाम मतभेद हैं, क्या आपको लगता है कि इन बयानों के बाद इसमें लगाम लगेगी, कमी आएगी, क्या सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे ये तमाम दल? असल में अपोजिशन में भी जो खलबली है या अपने को लेकर जो इनसिक्योरिटी है वो भी बड़ी परेशान करने वाली है, या पीएम को लेकर लोगों के जो सपने हैं, जैसे ममता बनर्जी 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, अब आप देखिए अगर कोई गठबंधन होता है
किसी से भी मान लीजिए होता है, सपोज करिए कांग्रेस सही होता है, तो बंगाल में कैसे संभव होगा कि आप 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 42 की 42 जीतेंगी? इसका मतलब आप किसी और को देने को तैयार नहीं है, ठीक है? चंद्रबाबू नायडू सारी की सारी सीटों पर खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं, ठीक? तो सवाल इस बात का है कि ये जो सोच है ना कि हम सारी की सारी खुद लड़के सारी जीत जाएंगे, आप सारी क्यों जीतना चाह रहे हैं? आप सारी इसीलिए जीतना चाह रहे हैं कि आप खुद प्रधानमंत्री पद के रेस के लाइन में हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कमजोर विपक्ष है ना, ये तो भाजपा के फायदे में जाएगा ही जाएगा। और ये कंफ्यूजन जो बनी है, अब देखिए कंफ्यूजन क्या है, अंशु जी मैं आज समझ नहीं पा रहा हूं इतना डिफेंसिव क्यों है भाई। सवाल इस बात का, ये तो हम भी सहमत हैं, हम भी मान रहे हैं और आप भी मान रहे हैं कि हाँ सीडब्ल्यूसी में इस बात पर तय हुआ कि वो अधिकृत चेहरे हैं 23 जुलाई को। लेकिन आज चिदंबरम साहब का जो बयान आया, उन्होंने कहा कि ठीक है लेकिन वो पीएम पद का चेहरा नहीं होंगे अगर गठबंधन बनेगा। तो हम भी वही कह रहे हैं, आप भी वही कह रहे हैं, आप अनर्गल बात को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक हो रहे हैं, बात तो वही है ना। सवाल तो आज जो आपका चैनल उठा रहा है या लोग उठा रहे हैं या मीडिया में, सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस इतना बैकफुट पे जा रही है, सवाल ये उठ रहा है, जवाब इस एक एक ठीक है। नागर जी को साहब, आपसे मैं समझना चाह रही हूँ, बार बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस भले एक राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन तमाम राज्यों में देख लीजिए क्षेत्रीय पार्टियों से ही मुकाबला है बीजेपी का। कांग्रेस का जो जनाधार है वो सिकुड़ा है पिछले कुछ सालों में, और ये उत्तर प्रदेश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ हम देख रहे हैं यहाँ से होकर के सत्ता का रास्ता निकलता है दिल्ली तक का, लेकिन यहाँ कांग्रेस का जो हाल है वो सब विश्लेषक कह रहे हैं कि बहुत काम करना होगा। ऐसे ही तमाम राज्य हैं जहाँ पर भले ही कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन सीधा मुकाबला बीजेपी का क्षेत्रीय पार्टियों से है। क्या ये स्थिति है जिसने कांग्रेस को मजबूर किया है ये करने के लिए कि राहुल गांधी के मामले में एक कदम पीछे खींचा जाए? देखिए दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस वक्त जो ये चर्चा हुई है, अंशु जी की जो प्रेजेंटेशन रही और उस पर तमाम बातें हुई हैं, मैं एक चीज ये कहना चाहता हूँ कि देखिए हर राजनीतिक दल का एक मूल आधार होता है, और कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता रहा हमेशा कि एक शालीन पार्टी है, इसके अंदर शालीनता है, सौम्यता है और एक त्याग बार बार आता रहा। उसकी बात करते हैं, हाँ, मेरी बात समझिए, बात करते हैं, हाँ। जी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां पर हम कांग्रेस का बेस मान के चलते हैं, उसकी शालीनता, उसकी सौम्यता, उसकी कोमलता, उसकी एक तहजीब, वहां पर राहुल गांधी जी की कहीं ना कहीं घबराहट, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी भी घबराई हुई है, वहां भी बहुत ज्यादा निराशा है, वहां भी इस इलेक्शन से पहले घबराहट है, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी एक घबराहट है। यही कारण है कि राहुल जी जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अति आक्रामक हो जाते हैं, उसका संदेश ये जाता है कि कांग्रेसी वर्कर, कांग्रेसी प्रवक्ता इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं जो कभी नहीं हुआ करती थी। कांग्रेस के अंदर जो उसका मिजाज था वो बिल्कुल अलग था, और ये इस तरीके से कुछ ज्यादा जिस तरीके से आक्रामक हो गए राहुल जी, उसका ये अंजाम है या उसका नतीजा है या उसका मैसेज है कि आप कुछ इतने ज्यादा बदहवास हो जाइए कि तर्क को भी भूल जाइए। आज एक बात समझ में आई, एक मुझे लगा कि कांग्रेस के हाईकमान का फैसला हो सकता है बहुत मैच्योर हो, उसके पीछे दो बड़े कारण हो, शायद वो क्षेत्रीय कांग्रेस के नेता नहीं समझ पा रहे हैं, उनके अंदर एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे ये लग रही है कि कांग्रेस को ये लगता है कि हम राहुल गांधी जी को बतौर प्रधानमंत्री दावेदारी को हम बहुत साइलेंट रखें, उसके ऊपर कोई हल्ला ना करें और इसको बहुत ही स्मूथली इसको कहीं ना कहीं दबा के रखें, कतई भी हम वो शायद ये रणनीति जैसे बीजेपी ने की थी कि विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं था, उसके पीछे पूरा खेल जातिगत था, क्षत्रिय सोच रहा है मेरा बनेगा मुख्यमंत्री, ब्राह्मण सोच रहा है मेरा बनेगा, मुसलमान सोच रहा है मेरा बनेगा, और ये हो सकता है कि बड़े लेवल की एक पॉलिसी हो जिसमें हम इस बात को दबा के रख रहे हैं, और उसके बाद तो नंबर्स का खेल होगा, ये बात सही है कि नंबर का खेल होगा, लेकिन जिस तरीके से आज बड़े नेताओं ने ये बात खुलकर कही कि उनकी दावेदारी पेश नहीं की जाएगी और उसके बाद में उसी चीज को बहुत ही बदहवास तरीके से उसका खंडन किया जाए, ये मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए ही नुकसानदेह है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस का कहीं ना कहीं संगठन या उसके वर्कर्स या उसके प्रवक्ता उसकी पॉलिसी को अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक, आशुतोष जी आप अपनी बात रखिए। देखिए थोड़ा सा मैं इसे डिफर करूंगा कि आक्रामकता ज्यादा है या किसी की, देखिए हर लीडर की एक अपनी स्टाइल होती है, आप भारतीय जनता पार्टी को भी अगर देखें तो वहाँ पे अटल जी की स्टाइल अलग होती थी, वो एक अपनी बातों में और कविताओं में लेके कटाक्ष करते थे, माननीय मोदी जी की एक स्टाइल अलग है, वो सीधे अटैक करते हैं, तो मैं इस बात पे तो बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि वो बदहवास में इस तरीके से बोल रहे हैं, या कोई भी लीडर बदहवास में नहीं बोलता है, ये बहुत बड़ी पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं, और जो आप लोग थोड़ा सा कम आंकने की, अरे अभी वो
परिपक्व हैं, इस इन सब छोटी बातों से कांग्रेस को आप नहीं तोल सकते हैं। हालांकि मैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए नहीं है, लेकिन क्योंकि एक वरिष्ठ पत्रकार ने बोला तो थोड़ा सा डिफर करता हूँ। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि क्षेत्रीय पार्टियों ने लगातार पिछले दो दशकों में इस बात को प्रूव किया है, चाहे वो किसी भी असेंबली इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, उन्होंने अपनी दावेदारी की है। आज से दो दशक पहले इस तरीके से ऐसे नहीं होते थे। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को ले लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को देख लीजिए, जब लोकसभा का गठन होता है तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं। हमारे वहाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जो है रक्षा मंत्री रह चुके हैं, हमारे वहाँ बेनी प्रसाद वर्मा जी, हमारे वहाँ जनेश्वर मिश्रा जी कैबिनेट मंत्री के सलीके के रह चुके हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों का अपना अपना वर्चस्व अपने क्षेत्र में रहता है, और गठबंधन या महागठबंधन की नींव वहीं पर रखी जाएगी कि जैसे कि जिस क्षेत्र में जिस आदमी के जहाँ वर्चस्व ज़्यादा है, जहाँ पर उसका अपना काम है, वो अपना काम करे और सब लोग मिल के एक बड़ी ताकत से लड़ने के लिए साथ दें। अब उसका नेता कौन होगा, वो गठबंधन ही तैयार करेगा। मैं आपसे सवाल पूछूंगी इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि तो इसका नेता कांग्रेस पार्टी अपना लीडर बता सकती है। कांग्रेस पार्टी अपना, वो कहती है कि भाई हम अगर हम बड़ी पार्टी बन के आएंगे तो हम इनको लीडर पेश करेंगे, तो ठीक है, लेकिन अगर गठबंधन में आएंगे तो वो फिर एक कॉमन मैनिफेस्टो के साथ हम लोग आएंगे, तो कॉमन नेता के साथ। ये तो हुआ आपका पक्ष, और तमाम जो दूसरे बहुत सारे विपक्षी दल हैं वो भी ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी, अंशु अवस्थी जी, क्या वो मान चुकी है कि खुद अपने दम पर बीजेपी को चुनौती देना ये तो मिशन इम्पॉसिबल है, तो बैसाखी तो चाहिए होगी क्षेत्रीय पार्टियों की? अब देखिए, एक समान विचारधारा के लोगों को चाहे आप राजनीतिक दल कहें, क्योंकि जनता उनको भी जनादेश देती है, चाहे आप उनको बैसाखी कहें, ये आपका नजरिया है। और जो गठबंधन को लेकर रही बात, तो 27 हमारा 27 पार्टियों के साथ यूपीए का अलायंस था और 46 दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। अब पता नहीं उनकी बैसाखी ज़्यादा है कि हमारी ज़्यादा है, ये जनता तय करेगी। दूसरा देखिए, 2004 में भी कोई चेहरे को लेकर कोई लड़ाई नहीं थी। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व था, जिनको आज भी लोग उसी आदर के साथ नमन करते, मैं भी नमन करता हूँ, लेकिन आप देखिए जनता ने हरा दिया था। उसका कारण था कि लोग यहाँ पर हमेशा जो आप वादे करते हैं यदि उनको पूरा नहीं करते हैं तो उनका मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। कुछ भी, कोई परसेप्शन बनाया जाए, कोई भी बात हो, कोई विकल्प ना हो। इसी तरीके से 2019 के चुनाव में भी यही होने जा रहा है शुभ्रा जी, कि ये लोग याद कर रहे हैं कि कहाँ है 15 लाख रोजगार, कहाँ है, चीन को लाल आंख कहाँ दिखाई, पाकिस्तान बराबर हमले कर रहा है और आप बिरयानी खा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और बराबर जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, नए नए इवेंट आयोजित किया जा रहा है, ये सब लोग समझ रहे हैं। और उसका ही दुष्परिणाम है, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इतना बड़ा बहुमत मिलने के 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव हारना पड़ा। पूरे देश में जितने बाई इलेक्शन हुए सब पर चुनाव हारना पड़ा। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि जो आप वादे करते हैं उस पर पूरे नहीं उतरते, तो जनता उस बात से नाराज होती है और लोकतंत्र में उसको मताधिकार का अधिकार है। जी, उत्तर प्रदेश में आपका जनाधार ऐसे कैसे कम हो गया? देखिए शुभ्रा जी, मुझे लगता है ये आपने पूछा तो मैं बता दूं, 1996 में भारतीय जनता पार्टी की 56 सीटें उत्तर प्रदेश से थी, 1998 में 58 सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश के लोगों ने बीजेपी को दी थी, और 2004 में आप याद करिए 2004 में 10 सीटें। क्यों? क्योंकि जो आपने वादे किए वो पूरे नहीं किए। हराती जिताती तो जनता है। 2004 में हमारी 21 सीटें थी, 2019 में हमारी 23 हो गई, 2009 में, लेकिन 2014 में जो झूठ का तंत्र फैलाया गया कि हम 15 लाख देंगे, भ्रष्टाचार का एक झूठा माहौल खड़ा किया गया, आज लोग देख रहे हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, एक भी चीटी को आप जेल नहीं भेज पाए। जैसे इनके दिन बदल गए, तो जनता हराती जिताती है। हम 4 से 2, 21 से 2 पर आ गए हैं, 2 से फिर चले जाएंगे 44 पर। हम तो जनता को जनार्दन मानते हैं। पीड़ित है, इनको बीमारी फिर बोलने की शुरू हो जाएगी, शांत नहीं रहे। इनसे पूछिए कि ये 58 से 10 पर क्यों आ गए थे। 73 सांसद मिले, आप देखिए जो गांव उन्होंने गोद लिए हैं, कांग्रेस गोद में ही है, पीड़ित है और वो ज्यादा वायरल इन्हें चढ़ गया है। एक बार हो गया भावना में, दोबारा फिर उसी ट्रैक पे जाएंगे। जयप्रकाश, मुझे देखिए कहना था कि राहुल गांधी के नेतृत्व को कांग्रेस में जो चुनौती मिल रही है या अलायंस में मिल रही है, उसके देखिए एक वैचारिक स्तर भी है। अगर दूसरा आप देखिए तो जिस थर्ड फ्रंट की बात होती है, उनका जो वो किसकी विरासत है, चौधरी चरण सिंह की विरासत है, लोहिया की विरासत है, जेपी नारायणन की विरासत है, बाबा साहब की विरासत है। अगर उन लोगों का मूल कार्य क्या था, किसके विरुद्ध लड़े थे, कांग्रेस के वंशवाद के विरुद्ध लड़े थे, नेहरू का जो विकास का मॉडल था उसके विरुद्ध, बापू के ग्राम स्वराज
और हस्तशिल्प कुटीर उद्योग के लिए लड़े थे, तो अब आप ये सोचिए कि लोहिया का मोदी जी के फोटो लेके सपा कब तक कांग्रेस का साथ देगी, या ये मायावती जी हैं बाबा साहब को रख के कब तक साथ देंगी, चूंकि उन महापुरुषों के अपमान का कौन फैक्टर था। 1955 में हिंदू कोड बिल के बेस पे अलग हुए बाबा साहब, और निश्चित सी बात है कि मौसमी बुखार वालों का इलाज करिए, काले अंग्रेजों के साथ सब लड़ रहे हैं, काले अंग्रेजों के खिलाफ, आप तो गोरे अंग्रेजों के साथ काले अंग्रेजों स्वराज की बात करते थे, और 1935 में सरकार बना ली, ढाई साल देश को गुलाम रखे, सारे महापुरुषों की संतानें एक साथ लड़ रही, देख लीजिए परीक्षा, देखिए कर्नाटक में प्रवक्ता आते हैं, सुरेंद्र राजपूत आते, तमाम आते हैं, ऐसे जो परीक्षा पास करके आए होते पास पार्टी को लेकर कोई मौसम नहीं जवाब दे, तो ये व्यक्तिगत चले जाते, इनकी लिस्ट बना लीजिए, इनको उन्हीं क्षेत्रीय चैनलों में भेजा करिए, आपकी डिबेट का आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनको बोलने का कोई मतलब नहीं है, चूंकि ये परीक्षा पास करके क्रैश कोर्स, जयशंकर जी, जयशंकर जी देखिए हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सभी लोग और हम सब लोग एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आपको इस मसले पर कुछ बात रखनी है तो दो बात, मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन के बारे में सवाल कर रही है, अगर 2014 के इनके गठबंधन की हालत देखी जाए तो इन्होंने कहीं ना कहीं गठबंधन तो किया था चुनाव जीतने के लिए, लेकिन उसके पीछे सुनिए बात तो सुन लो, फिर आप भी शुरू हो गए, लेकिन इनके वहां आधी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने खाता भी नहीं खोला, तो वो भी क्षेत्रीय पार्टी है अपनी अपने अपने जगह की, तो एक बार उनके भी दिमाग में रखेगा कि उनका अस्तित्व कहां पर रह गया है, तो अभी तो पत्ते खुलने इनके भी बाकी हैं, तो इसलिए इस तरीके से ये ना बोले कि 46 पार्टियों में 15 पार्टियों के खाते ही नहीं खुले, तो एक बात वहां भी ध्यान रखनी है इनको, ऐसे नहीं बोलना है, बिल्कुल चुनौती दोनों ही पक्षों के लिए है, और अभी लंबा रास्ता तय करना है दोनों ही पक्षों को, चाहे वो महागठबंधन का सपना देख रही पार्टियां हो या फिर बीजेपी हो, बीजेपी के सामने 2014 की स्थिति नहीं है, ये बात तय है, और इसीलिए मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है, नावेद शिकोह साहब मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहां से कैसे रास्ता तय होगा दोनों ही पक्षों के लिए जब कांग्रेस ने यह स्टैंड तय किया है। समझौता तो करना ही पड़ेगा और समझौते हो रहे हैं क्योंकि क्षेत्रीय दल बहुत हावी हैं, हालांकि ये दल भी बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में हैं, इस बात को भी मानना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि क्षेत्रीय दलों के साथ में जो उनका जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश बीजेपी बहुत ही खामोशी से और बहुत सलीके से कर रही है, उसके पास में अभी जो भी वक्त है, काम चल रहा है, आपने देखा समाजवादी पार्टी में जितना काम चल रहा है, बहन जी तो एक उनका तो एक वन मैन शो होता है, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बीजेपी उसकी काट के लिए तैयारी कर रही है। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़बरदस्त होगी, इस बात पे कोई शक नहीं है, निराशा है, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ले जाएगी, एंटी इनकम्बेंसी का राष्ट्रीय लेवल पे फायदा कांग्रेस को मिलेगा। मतलब पांच सालों में आप मानते हैं जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ, कतई, और इसीलिए इसका जो फायदा है वो कांग्रेस को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को मिल सकता है। मनीष सिंधवी साहब, क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं इसे? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी है, काम जितना होना चाहिए था, जितनी लोगों को उम्मीदें थी उतना काम नहीं हुआ है, तो उसका नुकसान तो पार्टी को होगा ही होगा। और ये जो बयान आया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का, अब यहाँ से आगे का रास्ता कैसे तय करेगी तमाम विपक्षी पार्टियां? मैंने जब यहाँ बैठे थे पहले भी मैंने कहा था और अब भी मैं कहता था कि कांग्रेस झूठे ही डिफेंसिव हो रही है, ये अपनी पार्टी के कैंडिडेट हमारे लिए राहुल गांधी हैं, गठबंधन का कौन होगा ये समय तय करेगा, इस पर तो खुलकर खेलने की जरूरत है ना। बिल्कुल, और बार बार विपक्षी पार्टियों से जब ये पूछा गया कि कौन होगा उम्मीदवार, तो उन्होंने यही कहा है कि चुनाव होने दीजिए, उसके बाद जिस तरह का परिणाम आएगा उस हिसाब से चर्चा की जाएगी, और इसीलिए अगर वाकई इस तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो बीजेपी के लिए सोचने की जरूरत है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मसले हैं इन तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए जिसको लेकर हल निकालना है, इसलिए राह दोनों की आसान नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए।